मसला कश्मीर जो कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे एक बर्निंग इशू है, उसमें हमारा ओवरसीज़ जो यहाँ पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनकी मजमू तौर पर ये मैसेज है कि ये ना सिर्फ ये कि मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स का जो है वो वायलेट किया जा रहा है, उनका जिस तरह बेदर्दी के साथ कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरह उनके ऊपर फूड का और दीगर चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर कर्फ्यू नाफज किया गया है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। आज हम इधर इंग्लैंड में और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इसमें हम एनिमल्स के राइट्स की बात करते हैं, लेकिन ये जो हज़ारों और लाखों की तादाद के अंदर लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, औरतों की इज्जतें पमाल की जा रही हैं और दीगर जुल्म सितम डाए जा रहे हैं, तो इसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये है कि यूनाइटेड नेशंस को बल्कि जितने भी इंटरनेशनल सतह पे हमारे ममालिक हैं उनको इसके ऊपर देखना चाहिए, और ख़ास करके मैं ये पैगाम देना चाहूँगा यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को, इमरान खान को और जो हमारे सफारतकार हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, उनको इस वक्त कश्मीर का एम्बेसडर बनना चाहिए और मुल्क मुल्क के अंदर जाकर ये जो जुल्म सितम किया जा रहा है उसको हाईलाइट करना चाहिए और इंडिया का जो मकरू चेहरा है, जो रियल और फेस है, उसको हाईलाइट करके बताना चाहिए कि किस तरीके के साथ जो है वो हमारे भाइयों और बहनों के साथ जुल्म सितम किया जा रहा है।